एग्जाम्पल बेस्ड ऑन इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर्स. रूल नंबर वन, जब इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर की बात होती है तो इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और होल डेंसिटी बराबर होती है. एन ई का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एन एच का मतलब नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू एन आई, एन आई का मतलब इंट्रेंसिक, ये बराबर होते हैं. दूसरा, इक्विलिब्रियम में किसी भी सेमी कंडक्टर में, चाहे वो पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो चाहे कोई भी हो, उसमें एन ई और एन एच का प्रोडक्ट हमेशा एन आई के स्क्वायर के इक्वल होता है. मतलब मान लो आपका सेमी कंडक्टर पहले प्योर रहा होगा, पहले नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन और होल की बराबर थी, तो मान लो आपका जो सेमी कंडक्टर है वो प्योर सेमी कंडक्टर है तो उसमें एन आई है, लेकिन थोड़ी देर में आपने डोपिंग कर दी, आपने इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी बढ़ा दी और होल्स की कम कर दी, या जैसे भी होगा अनइक्वल कर दिया, तो अब वो एक्सट्रिंसिक बन गया. तो एक्सट्रिंसिक बनने के बाद एन ई और एन एच का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा एन आई के स्क्वायर के इक्वल होगा, ये याद रखना है. ठीक है यहाँ तक. नेक्स्ट है, और जो किसी भी आप इलेक्ट्रॉन को अगर आप एनर्जी गैप प्रोवाइड करना चाहते हो या फिर आप कंडक्शन बैंड में लेके जाना चाहते हो फ्रॉम वैलेंस बैंड, यानी कि फ्री करवाना चाहते हो इलेक्ट्रॉन, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी. तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ होल इलेक्ट्रॉन पेयर, होल इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन को उस एटम में से निकाल के फ्री करवाना ताकि अपनी जगह होल क्रिएट करे, तो कितनी एनर्जी चाहिए? एच न्यू मिनिमम. न्यू मिनिमम क्या होता है? सी बाय लैम्डा मैक्स. तो ये एनर्जी को क्या बोलते हैं? ई जी. ई जी का मतलब बैंड गैप एनर्जी, बैंड गैप का मतलब डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड. क्लियर है? तो यहां से क्वेश्चन नंबर वन, इन प्योर सेमी कंडक्टर नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन. कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का मतलब एनी गिवन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक मीटर, यानी कि पर मीटर क्यूब, एनी गिवन. हाउ मैनी होल्स आर देयर इन सैंपल ऑफ दिस साइज. तो एक काम करो, आपको इसका वॉल्यूम पता है तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ये कौन सा सेमी कंडक्टर है? प्योर. तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही होल्स भी होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की क्वांटिटी सेम है. तो ऐसे केस में क्या करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और वही नंबर ऑफ होल्स भी होंगे. सेम आंसर. ठीक. क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच कैन क्रिएट अ होल इलेक्ट्रॉन पेयर इन जर्मेनियम. तो आपको क्या निकालना है? मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है. बैंड गैप इन जर्मेनियम इज गिवन, ई जी गिवन. बैंड गैप का मतलब ई जी गिवन, ये रहा, जूल में कन्वर्ट कर लेना. ई ऑफ जी क्या होता है? एच सी बाई लैमडा मैक्स. तो यहां से लैमडा मैक्स कैन बी कैलकुलेटेड. आपको एच पता है, सी पता है और ई जी की वैल्यू पता है. क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन नंबर फोर, देखो, सपोज अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज 5×10^28 एटम्स पर मीटर क्यूब. प्योर है, कोई इसमें एक्सट्रिंसिक नहीं है, इतने एटम्स हैं पर मीटर क्यूब. इट इज डोप्ड बाय 1 ppm कंसंट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट आर्सेनिक. तो इसमें कुछ इसने कंसंट्रेशन डाल दी, डोपेंट डाल दिए. ppm का मतलब है पार्ट पर मिलियन, मिलियन का मतलब 10^6. तो एक 10^6 एटम में एक डोपेंट डाला गया, कंसंट्रेशन होगी 10^6 एटम में एक एटम डाल दिया डोपेंट का. तो कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. जब डोपेंट डाला तो एक्सट्रिंसिक हो गया, इंट्रिंसिक तो रहा नहीं, तो एन आई की वैल्यू उसने आपको दे दी. अब इसमें क्या रूल लगाएंगे? उसने क्या डाला? इसमें डोपेंट डाल दिया. अब डोपेंट कौन सा डाला? पेंटावेलेंट डाला. पेंटावेलेंट का मतलब फालतू इलेक्ट्रॉन देगा. कितने इलेक्ट्रॉन देगा? जितने एटम होंगे. कितने एटम होंगे?
इतने एटम्स है पर मीटर क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसकी कंसंट्रेशन से 10^6, तो ये आपके पास क्या आ गए, इतने एटम पर मीटर क्यूब है। ये क्या चीज आ गई, जो डोपिंग आपने की उसके उसकी डेंसिटी आ गई। डोपेंट ने क्या प्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रॉन, तो समझो इतने ही ये क्या आ गई आपके पास, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, क्योंकि जो आपने ये बता दिया इसमें पेंटावेलेंट एटम्स कितने हैं पर मीटर क्यूब, वही इसमें जो है नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से गए, तो एनई की वैल्यू निकल गई, एनई आ गया, एनआई गिवन है, तो एनआई पता है क्वेश्चन में, एनई हमने डोपेंट्स नंबर ऑफ एटम और डोपेंट निकाल दिया, सॉल्व करके एनएच कैन बी कैलकुलेटेड। तो इस तरीके से आप इसे सोच सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, मतलब अगर आपने ये किया नहीं हुआ, सुना नहीं हुआ, आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, या क्वेश्चन छोटा सा है, जो लैंग्वेज देख रहे हो कैसे यूज कर रहा है वो, अंदर फॉर्मूला तो एक ही यूज कर रहा है। अब जैसे सेमीकंडक्टर हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कंसंट्रेशन गिवन, देखते ही पता लगता है सबसे कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट करता है, Na इज इक्वल टू NH गिवन, उसने कहा नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन बराबर है, नहीं, होल्स इलेक्ट्रॉन अगर बराबर है तो वह इंट्रेंसिक है, ये Ni गिवन है, ये Ni गिवन है, जब होल्स और इलेक्ट्रॉन बराबर है तो ये Ni गिवन है, हाँ Ni NH भी बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, पर इसको Ni भी बोलते हैं। अब वो कह रहे हैं ऑन डोपिंग विद सर्टन इंप्योरिटी इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस टू, तो आपको क्या दे रहा है, Ni दे रहा है, Ni दे रहा है तो NH पूछ रहा है, तो देखो ना इसका मतलब ये Ni होगा, ये Ni है तो वहां से NH आ जाएगा। अब वो कह रहे हैं कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, तो ये N टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक। तो कैसे सोचना समझ में आ रहा है, फिर पूछ रहा है अगले पार्ट में न्यू होल कंसंट्रेशन आ गई, हाउ डज एनर्जी गैप वेरी विद डोपिंग, तो एनर्जी जो गैप है वो डोपिंग से कैसे बढ़ता है, देखो एनर्जी गैप हमेशा कम ही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में फायदा ही होता है, एनर्जी गैप हमेशा कम होता है, फर्मी लेवल हमेशा ऊपर उठ जाते हैं, तो इससे एनर्जी गैप रिड्यूस हो जाता है, डोपिंग करने से हमें फायदा ही रहता है। सिक्स्थ, क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन, क्या गिवन है, Ni, ऑन डोपिंग विद सर्टन इंप्योरिटी होल कंसंट्रेशन इंक्रीजेस टू, क्या गिवन है, NH, तो कौन सा है ये, P टाइप, और इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन Ni स्क्वायर इज NH इनटू Ni, आंसर, हाउ डज एनर्जी गैप डिक्रीज, सही है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि अगर इस टाइप के प्रॉब्लम आएंगे तो कैसे हैंडल करनी है, ठीक है, तो आप इसके अनसॉल्व प्रॉब्लम देख सकते हैं, दो चार जो देखनी है। इसके बाद जो अगली प्रॉब्लम्स हैं वो है कंडक्टिविटी पे, अगर आपको याद हो तो ये हमने एक्सप्रेशन किया था कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी पे, तो इसके ऊपर अगर प्रॉब्लम आएगी फॉर्मूला बेस्ड तो कैसे आएगी, एग्जाम्पल नंबर सेवन,
नेक्स्ट नेक्स्ट शीट है. सेमीकंडक्टर इज नोन टू हैव इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, क्या गिवन है एनी, एंड होल कंसंट्रेशन क्या गिवन है एनएच. इज द सेमीकंडक्टर एन टाइप या पी टाइप? देखो जिसमें कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वही आंसर है. तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा है होल से, वैल्यू देख के पता लगेगी इसमें, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है. फिर क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी क्या होती है? रो. तो रो क्या होता है? ये रहा रो, क्योंकि ये रहा हमने की थी कंडक्टिविटी सिग्मा 1/ρ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके रो की वैल्यू आ गई. तो आपको सब कुछ गिवन है, आपको साथ में मोबिलिटी भी गिवन है, इलेक्ट्रॉन और होल की मोबिलिटी म्यू भी गिवन है. तो आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गिवन है, मोबिलिटी गिवन है, ई पता है, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा. तो कैलकुलेशन लंबी है, बट इन एनी केस फॉर्मूला कैसे लगेगा समझ में आ रहा है. जैसे फाइंड नंबर डेंसिटी ऑफ डोनर एटम विच हैज टू बी एडेड टू इंट्रिंसिक जर्मेनियम सेमीकंडक्टर. डोनर एटम की आपको नंबर डेंसिटी बतानी है टू प्रोड्यूस एन टाइप सेमीकंडक्टर. ऑफ कंडक्टिविटी गिवन, देखो कंडक्टिविटी सिग्मा गिवन है. गिवन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, तो आपको एन ही बताना है. क्यों एन टाइप है? तो डोपिंग यानी कि एन टाइप से की होगी, तो आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताना है. और इंपॉर्टेंट, निगलेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ होल्स. कहते होल्स की कॉन्ट्रीब्यूशन छोड़ दो. जब होल्स की कॉन्ट्रीब्यूशन छोड़नी है तो इधर देखो ये वाला पार्ट पूरा उड़ जाएगा, ये निगलेक्ट कर दो. तो फॉर्मूला क्या बन गया, सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एन ए इंटू म्यू ई, बस. तो आपका फॉर्मूला बस ये बन जाएगा. तो यहां से सॉल्व करके एनी कैन बी कैलकुलेट.